एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक सिंड्रेला नामी एक खूबसूरत और नरम दिल लड़की रहती थी। वो अपनी सुतीली माँ और सुतीली बहनों के साथ एक ही घर में एक नौकर की हैसियत से रहने पर मजबूर थी। इसकी बहनें और इसकी माँ इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और सारे काम इसको करने पर मजबूर करती। सिंड्रेला अपने हालात की वजह से मजबूर थी, पर सिंड्रेला पूर उम्मीद और बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती रही। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल हम आपको सिखाने जा रहे हैं, आप इसकी मदद से बच्चों की इस तरह की एनिमेशन वीडियो बनाकर YouTube पर लाखों रुपए कमा सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको चंद AI टूल्स का इस्तेमाल करना है। इनमें से पहला है ChatGPT OpenAI, जिससे हम अपनी स्टोरी को क्रिएट करेंगे। इसके बाद आता है 11 Labs Prime, इससे हम अपनी वॉइस ओवर करेंगे। इसके बाद आता है इमेजेस क्रिएट करने के लिए लेक्सिका वेबसाइट लोनार्डो AI वेबसाइट, जिससे हम टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करेंगे। इसके बाद आता है liapix.com, इससे हम अपनी एनिमेशन को 3D में कन्वर्ट करेंगे। और फिर लास्ट में स्टेप आता है कैनवा, इससे हम अपनी वीडियोस को एडिट करके एक स्टोरी में तब्दील कर लेंगे। और नंबर 6 पर आता है v.io, जिससे हम सबटाइटल जनरेट करेंगे। स्टेप 1 पर हमें सबसे पहले ChatGPT ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर फिर आपको अपनी स्टोरी से रिलेटेड प्रॉम्प्ट डाल लेना है। हम सिंड्रेला से रिलेटेड स्टोरी बना रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्रिएट अ सिंड्रेला स्टोरी। तो हमारे पास ChatGPT कुछ इस तरह की स्टोरी क्रिएट कर देगा। अब हम इस स्टोरी को उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर इसको हम अपना जो स्टोरी है इसको हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम ट्रांसलेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ट्रांसलेट होकर आ गई। इसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी सारी स्टोरी को यहाँ से उर्दू या हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप 2 के लिए हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्राइम वॉइस AI, यानी कि 11 लैब्स। सबसे पहले जो लिंक आएगा इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सी वॉइस मिल जाएंगी, आप कोई भी वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है और यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद हमारी वॉइस कुछ इस तरह की होगी, इसको हम सुन लेंगे। वहाँ सिंड्रेला नामी एक मेहरबान और नरम नौजवान औरत रहती थी। वो अपनी शरीर सौतेली माँ और सौतेली बहनों की जरिया अपनी ही घर में नौकर की हैसियत से रहने पर मजबूर हो गईं। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 की बारी आती है। इसके लिए हम जाएंगे lexica.art पर, या फिर हम जाएंगे लोनार्डो AI पर। हम लोनार्डो AI वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे और ये हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमारी इमेजेस क्रिएट करता जाएगा। ये हमने अपनी सारी इमेजेस यहाँ से क्रिएट कर ली, इनको हम डाउनलोड कर लेंगे। हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे स्टेप 4 की बारी आती है, जो कि है liapix पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी जो इमेज है उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमें काफी ऑप्शन मिल जाएगी इमेज को मूवमेंट करने की, अपने हिसाब से इसको हम सिलेक्ट करके, और यहाँ से हमें MP4 डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से हम सेव करेंगे तो ये हमारी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी इमेज को भी यहाँ पे अपलोड करके डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी सारी इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है स्टेप 5 की, जो के है कैनवा। कैनवा पे हम जाएंगे, यहाँ हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसको अपलोड करेंगे, इमेजेस को अपलोड करेंगे और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके स्टेप वाइज क्रिएट करते जाएंगे। सबसे पहले हम अपने पहले इमेज को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हमने जो एक अलग से सिंड्रेला की इमेज ली थी, इसको हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे इसकी हम इमेज डालेंगे। यहाँ से हम कुछ बर्ड्स ले लेंगे, एलिमेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम मूविंग बर्ड्स ले लेंगे, एनिमेटेड बर्ड्स ले लेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, कुछ फ्लावर्स ले लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट इमेज पे जाएंगे, इसको भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इफेक्ट्स डालेंगे। स्टेप वाइज हमने अपनी सारी इमेज यहाँ पे लगा ली। यहाँ पर अब हम अपनी वॉइस को डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर हम मैजिक जो इफेक्ट होते हैं वो भी इधर लिखेंगे और ये मैजिक इफेक्ट्स डालेंगे इसमें। इसके बाद हम जाएंगे v.io पे, जहाँ से हम इसका सबटाइटल जनरेट करेंगे। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को अपलोड कर लेंगे
और यहाँ से हम सबटाइटल पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी आपने लैंग्वेज में सबटाइटल डालना है वो सबटाइटल यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। हमारी वीडियो की फाइनल लुक कुछ इस तरह की बनी है। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक सिंड्रेला नामी एक खूबसूरत और नरम दिल लड़की रहती थी। वो अपनी सुतीली माँ और सुतीली बहनों के साथ एक ही घर में एक नौकर की हैसियत से रहने पर मजबूर थी। इसकी बहनें और इसकी माँ इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और सारे काम इसको करने पर मजबूर करती। सिंड्रेला अपने हालात की वजह से मजबूर थी, पर सिंड्रेला पुर उम्मीद और बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती रही। तो दोस्तों, आज की हमारी किड्स एनिमेटेड स्टोरी आपको कैसी लगी, जो कि हमने चैट जीपीटी से फ्री बनाई, कैनवा से फ्री बनाई। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।